है, है। बात थोड़ी सूक्ष्म है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। जब तुम कहते हो कि मैं भूखा हूं और तुम ये नहीं कहते कि पेट भूखा है, तो तुमने अपनी पहचान पेट के साथ बांध दी है। अब तुम वही हो जो पेट है, क्योंकि आप अपना भूख तुम्हें नहीं पेट को लगी है। भूख तुम्हें नहीं पेट को लगी है, तुमने अपनी पहचान पेट के साथ बांध दी है। पेट शरीर है। एक बार तुमने अपनी पहचान शरीर के साथ बांध दी, तो अब तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो शरीर तुमसे करवाएगा, और तुम्हें ये भ्रम होता रहेगा कि ये तो मैं कर रहा हूं। तुम भूल ही जाओगे कि ये तो शरीर करवा रहा है। तुमको पता है भूख का अर्थ क्या है? भूख का अर्थ ये है कि पेट महसूस कर रहा है कि अब ईंधन की कमी है, फ्यूल की कमी है। उस कारण कुछ केमिकल्स हैं जो सीक्रेट हुए हैं, उन केमिकल्स ने एक मैसेज भेजा है ब्रेन में, और ब्रेन एक अनुभव कर रहा है जिसके साथ तुमने एक नाम जोड़ा है, भूख। ये पूरे तरीके से मैकेनिकल प्रक्रिया है जो एक मशीन के भीतर चल रही है। ऐसे समझ लो कि जैसे कार होती है, उसमें जब फ्यूल कम होने लगता है तो एक बत्ती जल जाती है, देखा कभी? उसी बत्ती के जलने का नाम है भूख, कि अब ईंधन कम हो गया है। कि पूरे तरीके से एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, पर तुमने इसे यांत्रिक प्रक्रिया नहीं जाना। तुमने क्या कह दिया? मैं भूखा हूं। तुमने इसे अपनी पहचान बना दिया, तुमने इसके साथ अपने आप को जोड़ दिया। तुमने यह नहीं कहा कि पेट में ईंधन की कमी है। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि तुम शरीर के साथ अपने आप को पूरे तरीके से अब एक मानोगे। और क्या होगा इससे? ध्यान देना, शरीर के साथ एक मानोगे, शरीर जो कुछ भी करेगा वह तुम्हें लगेगा कि तुम कर रहे हो। उदाहरण, सब जवान शरीर में, जैसे पेट में नहीं, हमने कहा कुछ केमिकल्स का काम होता है तो तुम्हें लगता है भूख, उसी तरीके से शरीर के और अंगों में केमिकल्स होते हैं, हॉर्मोन्स। वो हॉर्मोन्स उछलेंगे, एक उम्र आती है जब वो हॉर्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। वो हॉर्मोन सक्रिय होंगे और तुम ये नहीं कहोगे कि अरे ये तो हॉर्मोन्स है, केमिकल्स, कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा है। तुम कहोगे मुझे प्रेम हो गया, हुआ कुछ नहीं है, हुआ इतना ही है कि जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, पूरे तरीके से एक फिजिकल काम चल रहा है जिसको साइंस एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक वैसा ही फिजिकल काम तुम्हारे शरीर में भी हो रहा है कि कुछ केमिकल सीक्रेट हुए, उनकी वजह से तुम जो विपरीत लिंगी है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, लड़के हो लड़की की तरफ, लड़की हो लड़के की तरफ। पर तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये तो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। तुम कहोगे क्या? मुझे प्रेम हो गया। और फिर जब जैसे अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आएगा तो उससे तुम सच होगे, कोई मिल नहीं आ, तुम बिल्कुल तो समझ में नहीं आएगा कि इसमें मेरा क्या है। ये केमिकल्स का काम है और ये केमिकल्स मेरे शरीर से निकाल दिए जाए तो ये प्रेम अधिकार हो जाएगा। यही केमिकल्स अगर अभी शरीर से निकाल दिए जाए तो सारा प्रेम गवा हो जाएगा। और अगर उन्हीं हॉर्मोन्स का एक बढ़िया वाला मस्त इंजेक्शन तुम्हारे लगा दिया जाए तो बेचारी बच्चियां भागना पड़ेगा यहां से, तुम इतने बड़े प्रेमी हो जाओगे। ठीक वैसे जैसे तो सड़क में सांड दौड़ना होता है गाय के पीछे, क्योंकि तुम्हें अंतर ही करना नहीं आता अपने में और शरीर में। अगर शरीर की क्रियाओं का ही नाम प्रेम है तो वो सांड परम प्रेमी है। ये सारी हमारे साथ दुर्घटनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि हमें ये कहना ही नहीं आता कि शरीर उत्तेजित हो रहा है। हम कहते हैं कि आई एम एक्साइटेड। हमें यह कहना ही नहीं आता कि पांव में दर्द हो रहा है, हम कहते हैं हमारे दर्द हो रहा है। हमें यह कहना ही नहीं आता कि पेट में खाने की कमी है, हम कहते हैं मैं भूखा। तुमने उसके साथ एक तालाब में बना लिया, उससे अपनी पहचान बना ली, अब फंसोगे, अब मरोगे, करेगा शरीर।
करेगा शरीर और भुगतोगे तुम। समझ में आ रही है बात? ये अहंकार है और हर प्रकार का अहंकार, हर प्रकार की ईगो तुम्हें नर्क में ही ले जाती है। नर्क ऐसा नहीं कि बदले कुछ मिलेगा, यही नर्क अभी अभी भुगत रहे हो, यही नर्क है। अब ये जो ब्रेन है ये भी शरीर है, इसके अपने कुछ नियम है, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। जो समझदार आदमी आता है वो जानता है कि ब्रेन का तो स्वभाव ही ऐसा है, वो यही सब करता रहता है। ब्रेन का एक काम है कि वो हमेशा विचारों में रहेगा, भटकता रहेगा। पर तुम ये नहीं कहोगे कि अरे ये तो ब्रेन है जो भटक रहा है, तुम कहते हो यार मैं बड़ा चिंतित हूं। अब भटक ब्रेन रहा है और चिंता तुमने अपने ऊपर ले ली, ठीक है, रहो परेशान। जब भी तुम मैं लगाओगे, मैं हूं के साथ तुम कुछ भी लगा दोगे, तो अब तुमने कष्ट का आयोजन कर लिया, अपने ही पांव पे मान ली कुल्हाड़ी। किसी भी वस्तु व्यक्ति या विचार के साथ मैं को संबद्ध कर लेना ही अहंकार है। मैं हूं कुछ भी तुमने उसके साथ जोड़ दिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आई एम, उस आई एम के आगे तुमने कुछ भी लगा दिया, यही अहंकार है। और अहंकार तुम्हें कष्ट के अलावा कुछ नहीं देगा और तुम्हें बेवकूफ बनाएगा और जिंदगी भी उसको स्टूपिड तरीके से बिताओगे। बात स्पष्ट हो रही है?